नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी पेटीएम चलाते हैं तो दोस्तों पेटीएम में आपके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों पेटीएम में जो है लॉन्च कर दिया है, एक नया ऑप्शन आ गया है और दोस्तों वो है पेटीएम यूपीआई लाइट। तो दोस्तों यूपीआई लाइट क्या ऑप्शन है, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी आप शॉप पे जाते हैं, बाहर मर्चेंट की दुकान पे जाते हैं, कोई भी आपने कोई किराने की दुकान पे जाते हैं, कोई सामान आपने लिया, चीनी चाय पत्ती वगैरह कुछ सामान लिया है, कोई फल फ्रूट वाले की दुकान पे गए, और अगर आप मान लीजिए अगर आपका बिल कुछ 50-60 रुपये का बिल है, आपका 50-60 रुपये का अमाउंट है या 100 रुपये का अमाउंट है या 150 रुपये का अमाउंट है, तो आप जो है कभी भी आपको करना होता है तो आप जो है यूपीआई स्कैन करते हो, कोड स्कैन करते हो और आप अपना यूपीआई पिन डालते हो और फिर जो है आप उसमें पेमेंट करते हो। तो दोस्तों इसीलिए जो है उससे क्या होता है कि आपकी जो पासबुक, जो बैंक की पासबुक है, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो सरकार ने एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिया है और उस ऑप्शन का नाम है पेटीएम यूपीआई लाइट। तो पेटीएम यूपीआई लाइट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेन बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे 200 रुपये का तक का जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिसमें आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे पेटीएम वॉलेट है, तो पेटीएम वॉलेट क्या होता है कि कभी भी आप बाहर जाते हो पेटीएम वॉलेट स्कैन करते हो और यहाँ पे जैसे जो भी अमाउंट होता है आप जो है पेटीएम वॉलेट टू वॉलेट कोड स्कैन, क्यूआर कोड स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो, वहाँ पे आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। सेम उसी तरह यूपीआई लाइट भी है, आपको जो है यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, बट अप टू 200 रुपये तक जो है आप जो है पेमेंट कर पाओगे। और 200 रुपये तक जो है आपको जब भी आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी पेटीएम आपका जो यूपीआई पिन है वो डालने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेन बेनिफिट है। इससे क्या होता है कि जो आपकी जो बैंक की जो पासबुक है काफ़ी लंबी नहीं भरेगी और यहाँ पे जो है आप इजीली जो है क्विक, फास्ट और रिलायबल जो है पेमेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे आप यहाँ पे जो है पेटीएम पर अपना यूपीआई लाइट एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों यूपीआई लाइट को एनेबल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा यूपीआई लाइट का, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे तो दोस्तों आपको एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ये बोल देगा पेटीएम यूपीआई लाइट, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप जो है ऊपर सर्च कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूपीआई लाइट, ठीक है दोस्तों। तो जब आप यूपीआई लाइट लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू ऑप्शन आ चुका है सेटअप यूपीआई लाइट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह का आपका पेज दिखाई देगा, ये बोलेगा लाइटनिंग फास्ट यूपीआई, यूपीआई इज अ सिक्योर ऑन डिवाइस बैलेंस ऑन योर पेटीएम एप्लीकेशन, यूपीआई इज लिंक टू योर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस कैन बी ट्रांसफर बैक विदाउट एनी चार्जेस और पे अप टू 200 विदाउट यूपीआई पिन। यानी कि दोस्तों आप 200 रुपये तक जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको पेटीएम आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है। जैसे पेटीएम वॉलेट होता है उसी तरह यूपीआई वॉलेट होगा, ये यूपीआई लाइट होगा। उसमें जो मेन बेनिफिट क्या है कि जैसे पेटीएम वॉलेट में आपको केवल पेटीएम वॉलेट का ही क्यूआर कोड स्कैन करना है तभी आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब जो है दोस्तों ये क्या है यूपीआई लाइट का मेन बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इसमें कोई भी क्यूआर कोड यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, गूगल का क्यूआर कोड, पेटीएम क्यूआर कोड, अमेजन पे क्यूआर कोड या गूगल पे क्यूआर कोड, फोन पे क्यूआर कोड, तो सभी में आपको जो है यूपीआई लाइट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और 200 रुपये तक जो है आप बिना किसी भी यूपीआई पिन यहाँ पे एंटर किए यहाँ पे जो है पैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए और अगर आपको और डिटेल चेक करनी है तो आप नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नो मोर वाले ऑप्शन में आपको सारी जो है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि यूपीआई लाइट इज अ सिक्योर और यूपीआई लाइट इज बैंक लिंक टू योर बैंक अकाउंट, यूपीआई यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम विदाउट एनी चार्जेस, यू कैन पे अप टू 200 रुपीज विदाउट अ पिन, रिमेंबर यूपीआई लाइट वर्क्स इवन वेन रेगुलर यूपीआई पेमेंट्स आर फेलिंग। यानी कि दोस्तों कभी भी क्या होता है कि कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन होता है, यानी कि सर्वर SBI बैंक होता है, HDFC बैंक होता है, ICICI बैंक होता है या PNB बैंक है, किसी भी बैंक का अगर सर कभी कभी जो क्या होता है कि पेमेंट करते हैं तो सर्वर डाउन होता है, तो यूपीआई लाइट का क्या बेनिफिट है, इसका सर्वर कभी भी डाउन होगा और ये केवल आपके एक वॉलेट की तरह काम करेगा कि कभी भी जैसे अगर आपको करना है तो 200 रुपये तक जो है आप वन टाइम जो है यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूपीआई लाइट वर्क्स इवन वैन रेगुलर यूपीआई पेमेंट्स आर फेलिंग, UPI लाइट कीप योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट क्लीन, यानी जो आपका जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है क्लीन आता है। यहाँ पे UPI लाइट का यूज करने के लिए कैसे भी जो है आप QR कोड स्कैन कर सकते हो, UPI लाइट का यहाँ पे जो है किसी को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो वो कर सकते हैं, फोन नंबर डाल के पैसे सेंड कर सकते हैं या UPI ID डाल के कर सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कई बैंक अकाउंट से जो है ये लिंक होता है, कई बैंक अकाउंट को सपोर्ट नहीं करता UPI लाइट, देख सकते हैं दोस्तों जैसे मेरा जो SBI वाला जो बैंक है यहाँ पे जो है ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप एंटर करके देखिए आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन में यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है,
नेक्स्ट वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है तो लोड लेगा। लोड लेने के बाद दोस्तों ये बोलेगा एड बैलेंस टू योर यूपीआई लाइट, ये बोलेगा यू कैन ट्रांसफर इट बैक टू योर बैंक अकाउंट एनी टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों यूपीआई लाइट में आप कितना पैसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मेरे को 200 रुपये ऐड करना है, तो मैंने 200 रुपये ऐड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड मनी टू यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये बोलेगा एनेबल डिवाइस लॉक फॉर यूपीआई लाइट, तो यहाँ पे आप एनेबल डिवाइस लॉक कर सकते हो या फिर डू इट लेटर पर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यूपीआई पिन आ गया, तो मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना यूपीआई पिन डाल दिया और यूपीआई लाइट के अंदर मेरे पैसे यहाँ पे जो है ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 200 रुपये मेरे यूपीआई लाइट के अंदर ऐड हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 200 रुपये मेरा यूपीआई लाइट बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कि कभी भी अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है या मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर करना है या क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसे ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों सभी ऑप्शन में आप जब भी पे करेंगे तो आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे 2 UPI एप्लीकेशन पे आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया या फिर मैंने यूपीआई आईडी डाल दी, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक जो है दोस्तों यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे डाल दिया है, तो ये यूपीआई आईडी मैंने डाल दी है। अब दोस्तों मेरे को फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मेरे को जो है 100 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो 100 रुपये ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है यूपीआई लाइट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है और वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पे सिक्योरली वाले बटन में जब मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मेरे को यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे मेरा यूपीआई लाइट की हेल्प से यहाँ पे जो है मैंने मनी ट्रांसफर यहाँ पे कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो है मेन बेनिफिट क्या है इसका, कि कभी भी जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर आपको कभी भी किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको 200 रुपये का अमाउंट है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बार बार जो है यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप फोन नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी की यूपीआई आईडी पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या दोस्तों बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। 200 रुपये का अगर कोई भी पेमेंट होगा मैक्सिमम, तो आप जो है बिना किसी भी यूपीआई पिन डाल के जो है पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप जो है यूपीआई लाइट एप्लीकेशन की हेल्प से जो है मनी ट्रांसफर कर सेटअप कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अप टू 200 रुपये आप विदाउट किसी भी यूपीआई पिन ऐड करके जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो है यूपीआई लाइट का जो है मेन ऑप्शन जो है कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते हैं हर मजिशो मुझे बोलेगा।